घूम रही है मोटर सुबह सुबह, ये देखिए। और सूरज निकल चुका है, आज इतनी लेट आ गया हम, बहुत लेट क्या हो गया, आज हम जल्दी सूरज निकल गया, मौसम भी साफ है ना इसलिए। कैसा लग रहा है घूम के? मैंने सोचा कि व्रत हूँ, नहीं एनर्जी थोड़ी वेस्ट होगी ना मेरी, ज्यादा डाउन हो जाएगी, इस वजह से मैं एनर्जी बना कर रखूँ। फिर सोचा कि अपना टाइम वेस्ट करके घूम लूँ। सूरज को देख कर मौसम बढ़िया रहेगा, जल्दी चांद निकल जाएगा। हाँ चांद निकल, लास्ट टाइम भी इस टाइम चांद निकल रहा ऊपर उस साइड में, बस तो चलो। तो फिर चाय वाय पिए? चाय तो फिर भी मम्मी मैं पी लूँ चाय, तो नहाने से पहले चाय नहीं ध्यान रखे कभी जरा वो ना। चलो घूम लो, बात करने को नहीं कहा। मैं सिखा दूँ, मैं देखे मेरे हाथ में लगी मेहंदी, जिसने कल मेरा नाम लिखा है और कुछ नहीं करा, सही लगा सकूँ थी ना मैं। हाँ ना नए कपड़े पहन सकती, ना मेहंदी लगा सकती, नई चीज कुछ नहीं पहन सकती, पता नया खाना ही क्यों खाने दे रहे, बस ही खाना खा देते हैं। सो गाइस मैं भी ऊपर आ चुका हूँ, और क्या नाम घूम तो रहा, मैं तो बैठा हूँ आराम से, पहले तसल्ली में वहाँ तुम घूम लो, मैं बैठा हूँ, मेरा घूमना नहीं होने का। मैं नींद आती वैसे तो, फिर मैं चलो कोई नहीं, उठ गया तो ऊपर हवा तो लग रही, बढ़िया मौसम ठंडा है, तो वैसा ना एकदम डंडी पापा जी को दूंगी मैं, आप ऊपर आकर सो ना। अच्छा देखियो डंडी हो सही हो, मैं कहा मान जा तेरे बजे की फेरी हो, मतलब कह पापा को डंडी दूंगी हो, दोबारा बज जाएगी। सही कह रही है, बंटे को दया आ गई थी क्या? पंडित भाई साहब नहीं थी, सुजाता दी थी उन्होंने, सुजाता ना उनका उनका ज्यादा लग जाएगा। अच्छा इसलिए उन्होंने राम राम से मारी थी। अरे ओफो, वरना तो फिर तो सही है, मैं इतने चल रहा तो हो गया, हो गया 15 मिनट। सो गाइस मैं पूरी टाइम देख रहा था, 7 मिनट हुई, सब पूरी ऊपर आए को 15 मिनट बता रही है। क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, टाइम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस पादे ब्लॉग्स पर। तो शुरू करते हैं आज के नए ब्लॉग को। तो सुबह के जो है, सुबह तो आपने देख लिया था हम घूम रहे थे, और उसके बाद जो है मैं नहा धोकर अपना काम निपटाकर पूजा पाठ कर अभी फ्री हुई हूँ, और फिलहाल तो जो है अपने बेड में से अपनी शादी की जो है चुनरी निकलवा रही हूँ, और एक दो सामान वो है वो निकलवा रही हूँ। हाँ जी, तो गद्दा ऐसा कर देती ना, तो मैं निकाल लेती हूँ शादी की चुनरी, दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, तो मैंने अपना लहंगा तो निकाला नहीं है, क्योंकि मैं पहन नहीं सकती, लहंगा हैवी होता है, इस वजह से तो मैंने ना सिर्फ अपनी जो है शादी का दुपट्टा निकाला है, जो मेरे गठबंधन वाला दुपट्टा था वो मैं निकाला नहीं, क्योंकि वो मुझे मिला नहीं, तो मैं अपने लहंगे का जो है दुपट्टा निकाल लिया, ये ओढ़ूंगी मैं लहंगे की जगह, मतलब ऐसा हो जाता है अगर लहंगा नहीं पहनती था तो जो है लहंगे का दुपट्टा ओढ़ लूँ, ऐसे देता है। तो मैंने अपने नाम की कुछ भी शॉपिंग नहीं की है कुछ भी, और ये मैंने तो आपने देख लिया है मेरी, मैंने आपको दिखाई थी सुबह उल्टी चमक रही, मैंने इस नाम लिख लिया था, क्योंकि ना प्रेगनेंसी में जो है मेहंदी वगैरह नहीं लगाते हैं, सब ने मना कर दिया था मेहंदी नहीं लगाते हैं, तो इसलिए मैंने मेहंदी नहीं लगवाई, मतलब मैंने कुछ नहीं करवाया ना फेशियल ना मतलब थ्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं करवाया, मैंने जैसी थी वैसी ऐसी, और ना ही मार्केट से कुछ सामान लेके आई अपने लिए, बस इनसे जो है करवा चौथ की थाली मंगवा ली थी, आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या सामान जो है इनसे मंगवाया था, और जो बहाने में जो मुझे पूछना है वो उसका सामान दिखाऊंगी मैं आपको क्या क्या था क्या क्या नहीं था। फिलहाल तो ये बैठे हैं और पापा जी के लिए जो है कुछ काट रहे हैं, सांस भी चढ़ जाता है बोलते बोलते अब तो। तो चलिए, तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या सामान मैं पूछूंगी और क्या क्या सामान जो है मैंने मंगवाया है। सो गाइस, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है क्या क्या मंगवाया अपने करवा चौथ के लिए, वैसे मैं तो शॉपिंग की नहीं,
और जो है मम्मी से मंगवाया था थोड़ा सा सामान जो है दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो करवा चौथ की थाली जो कि ये लेके आए थे कल, मैंने इनसे मंगवा ली थी क्योंकि मेरे तो मार्केट में जाना हो नहीं रहा था। पिछली बार थी मेरी वो, मैं जो है शाम में ही रह गई थी मेरी, तो ये है वो थाली जो मैंने मंगवाई है। मुझे ना वैसे चाहिए थी वेलवेट में, जो अंदर वेलवेट का जो कलर रहता है ना रेड कलर, वो चाहिए थी, पर कोई नहीं अगली बार जो है मैं अपना आप ही से डेकोरेट कर लूँगी। ये रही थाली, बहुत ही हल्की थाली है, पत्ता सी है बिल्कुल। और ये पता कितने में दी है, ये दी है 180 में है ना, 180 में दी है ये। इसके साथ आया एक लोटा और एक छलनी, वो भी पता नहीं इसमें क्या लग रहा, शायद फेविकोल वगैरह लग रहा ना। हाँ, रखी मुझे लगे इसके अंदर भी लगी थी, वो हटा दी थी। हाँ तो ये डिजाइन है इसका, कोई नहीं अगली बार जो है मैं अपना आप ही डेकोरेट करूंगी अच्छे से। तो ये है मेरी करवा चौथ की थाली, रेड कलर में मंगवाई थी मैंने, बोल दिया था इन्हें पहले के रेड कलर में लेके आना। और पूजने के लिए ये जो है तस्वीर जिसकी हम पूजा करेंगे, करवा चौथ की जो आती है ना, यहाँ पर जो है माता रानी बनी हुई है, यहाँ पर शिव जी पार्वती और यहाँ पर जो है कथा है। अब दिखाती हूँ मैं जो मम्मी से मैंने सामान मंगाया है बानी में जो पूजूंगी। सबसे पहले तो बैंगल्स देख लो आप, रेड कलर की बैंगल्स है ये वाली, नग वगैरह लगी हुई है इसमें। इसके बॉक्स में से ना बड़ी गंदी बदबू आ रही मुझे, सुबह भी खोला था ना तभी बहुत ज्यादा। हाँ तभी तो। और ये गोल्डन कलर में है, रेड और गोल्डन कलर में है। और ये बिंदी का पत्ता, ये वाली लिपस्टिक हुड्डा ब्यूटी की, ये देखिए ये वाला कलर है इसका। बंद भी नहीं हो रही, आपके हाँ जी। और ये जो है सिंदूर, तो ये सब जो है मम्मी ही लेके आ गई थी, मम्मी और दीदी गई थी, दोनों गई थी जो अपनी पसंद का, मैंने बोला था अपनी पसंद का लेके आ जाओ, तो उन्हें जो भी पसंद था वे लेके आ गई थी। नेल पेंट रह गई थी और मेहंदी, वो वहाँ पे रखी है तो उठाना भूल गई मैं। और आपको कपड़े दिखाती हूँ जो मैं बानी में पूजूंगी। तो ये है जोड़ा भाई साहब का, ये देखिए ये बानी में पूजूंगी। और ये रही साड़ी, कमेंट करके बताना कैसे लग रही है ये। इसका कलर ना मुझे इतना प्यारा लग रहा है ना, ऑरेंज कलर है बहुत ही प्यारा, और चारों तरफ से जो है इसमें बॉर्डर है और बीच बीच में जो है ये बूटे से वर्क हुआ है कढ़ाई में, ये देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है। और आप बताना कमेंट करके कैसे लगा मेरा सामान, तो जो मैं पूछूंगी ये सब चीज़ें। और मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ ना, भी कुछ मतलब अपने लिए लेके आई हूँ ना, बिंदी लिपस्टिक कुछ नहीं, जो मेरे पास पुराना था ना वही, क्योंकि मैंने सुना है मतलब जो मम्मी यार बोल रही थी कि कुछ भी नया नहीं करते इस वजह से। चलिए तो अब जो है मैं सामान उठा लेती हूँ, उसके बाद आपने ला के दिया वो तो जब पहनूंगी ना तब दिखाऊंगी। तो इन्होंने कल ना जो है मुझे गिफ्ट में दिया है, इन्होंने कुर्ती दिया है मुझे गिफ्ट में, तो वो पहनूंगी मैं। तो जिस टाइम पे लेके आई थी ना मैं, तभी इन्होंने बोल दिया था कि नहीं तो पहनते नहीं, तो फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी बोल रही थी कि धो के ना उसे डाल दी तो पुरानी हो जाएगी, तो मैंने धो के डाल दी थी, सुबह तक सूख गई थी अच्छी तरीके से, तो अब जो है वही डालूंगी मैं, वही पहनूंगी और दिखाऊंगी आपको कैसी है वो। चलिए तो मैंने साफ संगवा लेती हूँ। वैसे ना जब थाली आती है ना उसमें दिया वगैरह सब आना चाहिए, कटोरी ये ना बहुत कम से कम ये 100 रुपए की आनी चाहिए थी। आपने वो ये ना हर चीज जो भी इनसे मंगवाती हूँ ना, ये हमेशा महंगे लगते हैं, हमेशा कभी कुछ चीज सस्ती नहीं लगते। और मैं जाती ना मैंने बहुत सस्ती लेके आती, मैं ये वाली थाली 150 रुपए में छोड़ के आ गई थी,
आई इतनी महंगी लेके आई 180 रुपए की। औरतें बचत करते तभी तो बचत होती है। घर में जय माता की, तेज की जय माता की, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या खा रहा रोटी खा रहा। सो गाइज काम जो है मेरा ख़त्म हो चुका है अब जो पूरे तरीके से। अब जो है बस नेल पेंट वगैरह लगाऊंगी मुझे लगे। तो अभी फिलहाल तो कर रहे हैं नाश्ता। तो मैं इस व्लॉग को ना यहाँ पर एंड करती हूँ। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा आपको जो है बड़े बन गए। चटनी खा रहे ना, चटनी तो सबकी फेवरेट होती है, तो आप भी खा लीजिए। मैं बढ़ती हूँ आपके नाम गई हूँ। और इन्हें मैंने बोला ना व्रत रह लो, तो अभी बताती हूँ कैसे कराए इन्होंने। बताइयो नहीं नहीं वही बताओ मैं चक्कर आ रहे क्योंकि मैं रह तो लेता फिर मुझे चक्कर आ रहे बहुत बुरे आ रहे। पेशेंट आ गए खून खराब बस आ ये बोलते हैं। ये तो इन्होंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, पर इतना नहीं बोल रहे थे, सिर्फ इतना बोल रहे थे कि मुझे चक्कर आ रहे मतलब हम ही हम वर्त रहे इनके नाम का। ये मेरे नाम का वर्त नहीं रह सकते। तू चाहो कि मेरे पति मिले रहे, हम चाहे कि हमारे पति ने मिली रहे। नहीं नहीं हम चाह रहे कि हमारे पति की लंबी उम्र हो, और आप पति चाहते हो कि हमारी पत्नी की उम्र जो है कम हो ताकि हमें दूसरी मिल जाए। भी हो नहीं होता होगा पता नहीं। चेहरे की स्माइल देख रहे देख रहे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो भी नहीं खाती, मेरी तो ये चीजें जो है फास्ट फूड वगैरह फिर भी बनता है, मैं तो फिर भी नहीं खा पाती ये चीजें समझे। बिरयानी खा लो कुछ भी खा लो। चलो तो गाइस मैं इस व्लॉग को ना यहाँ पर एंड करती हूँ। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सेकंड पार्ट भी आएगा करवा चौथ का। वही तो आजकल फोटो वगैरह खिंचवाने पड़ते हैं ना इस वजह से यार। तो मैं इन्हें बोल भी रही थी कि मुझे ना फोटो शूट करवाना है, वहां पर तो लेके जाने को मना करे, मैं घर पे कर लेंगे। बनना पड़ता है समझदार, होते नहीं लेके जाते, घर से निकलना बंद हो गया अब तो बिल्कुल। कोई नहीं भले के लिए मेरे 9 महीने के बाद अगले भी 9 महीने के बाद घर में कैद कर लो ना अब से बिल्कुल ही। अब 9 महीने नहीं रह रहे अभी तो होते हैं थोड़ा सा टाइम लगा। चलिए तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, आप बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।